आप सभी प्रदेश एवं शहरवासियों को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। आधुनिकता के बदलते दौर में अब भी पुराने हथकंडे का जोर प्रचलन में खूब चल रहा है, जहां कुछ लोग सुनवाई नहीं होने पर इसका इस्तेमाल कर अपनी बात मनमाने दबाव बनाते नजर आ रहे हैं। बीते कुछ समय में जिले भर में तकरीबन आधा दर्जन मामले इस तरह के सामने आ चुके हैं, जिसमें फिल्म शोले की तर्ज पर वीरू का किरदार निभाते हुए कोई पेड़ पर तो कोई टावर पर चढ़ रहा है, जिसकी वजह भले ही अलग अलग हो पर तरीका यह लोग इजाज कर रहे हैं कि वह एक सा है जो खासी सुर्खियां बटोर रहा है। सागर में आजकल फिल्मी स्टाइल में लोग अपनी परेशानी का हल खोजते नजर आ रहे हैं। जब उनकी समस्या के निराकरण में प्रशासन कोई मदद नहीं मिलती तो वह कुछ ऐसे हथकंडे अपनाने लगे हैं जो अक्सर फिल्मी सीन का हिस्सा होते हैं और केवल दबाव के रूप में प्रयोग कर वह अपनी बात मनमाने में कारगर साबित हो रहे हैं। बीते दिनों जहाँ कलेक्ट्रेट में एक युवक पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर पेड़ पर चढ़ गया था, तो वहीं रजवास के हिन्नौत गांव के एक व्यक्ति ने अपनी बात मनवाने यही तरीका चुना और इसके लिए आज फिर एक मामला जरुआखेड़ा चौकी के अंतर्गत पाया गया, जहां एक व्यक्ति पारिवारिक मामले के से पुलिस से कोई मदद नहीं मिलने पर मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिसकी जानकारी लगने के बाद हड़कंप मच गया और उसे समझाइश देकर स्थानीय लोगों ने उतारने का प्रयास किया पर वह राजी नहीं हुआ, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस एवं प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा और उसे उसकी समस्या के मामले में न्याय दिला उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया और नीचे उतार लिया। इस मामले में जहां टावर पर चढ़ा व्यक्ति अपनी परेशानी के लिए परिवार और लोगों के साथ पुलिस को दोषी ठहरा रहा है, तो वहीं पुलिस मामला पारिवारिक संपत्ति को लेकर होने की बात कह रही है। बहरहाल जो तरीका प्रचलन में आ रहा है वह निश्चित ही खतरनाक कदम है। जो जरूरत रहने वाले भूपेन चौहान, जिनकी लगभग 45 ईयर होगी और इनके फादर मतलब दोनों एक्सपायर हो गए हैं, इनके फादर शायद वहाँ सर्विस में थे, तो तीनों भाइयों का बंटवारा लेके कोई डिस्प्यूट चल रहा है। इस पर इन्होंने थाने में कुछ दिन पूर्व कंप्लेन भी करी कि इनका भाई जेवर वगैरह नहीं दे रहा है, तो पुलिस ने इसमें जाँच करी थी, लेकिन वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो इस संबंध में हमने राजस्व अधिकारी को भी नॉलेज में डाल दिया है और टावर से उतारने का प्रयास किया जा रहा है। Thank you.